हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं, यहाँ हम लोग लगभग 10 साल से रह रहे हैं, नई दिल्ली बसंत कुंज रंगपुरी पहाड़ी में। ये कोरोना वायरस के कारण बंद कर दिया काम भी और लॉकआउट हो गया पूरे शहर। हमारे पास पैसे नहीं है, आज का राशन था खाए हैं, अब पता नहीं कल से क्या खाएंगे, यही सोच के टेंशन में है और घर वाले भी सब परेशान है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास के बाद दिल्ली में फंसे झारखंड के लोगों के लिए भोजन का प्रबंध हो गया। इसके लिए मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद कहा। हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं, यहाँ हम लोग लगभग 10 साल से रह रहे हैं, नई दिल्ली बसंत कुंज रंगपुरी पहाड़ी में। ये कोरोना वायरस के कारण बंद कर दिया काम भी और लॉकआउट हो गया पूरे शहर। हमारे पास पैसे नहीं है, आज का राशन था खाए हैं, अब पता नहीं कल से क्या खाएंगे, यही सोच के टेंशन में है और घर वाले भी सब परेशान है। राज्य सरकार कम से कम हम लोग को बुला ले, या मोदी जी कम से कम घर भेज दे, या तो खाने का कुछ बंदोबस्त करे, हम लोग बहुत परेशान है। बिना खाए पिए हुए कैसे रहें, कैसे जिए। ऐसे तो भूखे मर जाएंगे, हम लोग गरीब आदमी है, कमाने खाने वाले। वायरस तो नहीं मरेंगे लेकिन भूखे जरूर मर जाएंगे। हाँ, भूखे मर जाएंगे। एक दिन क्या खाएंगे, सो नहीं पा रहे हैं, ये चीज सोचिए करें क्या सुबह से। काम भी नहीं है हाथ में, काम जब काम है लोग आवर करवा रखा है, कहाँ से होगा बताइए। दिल्ली सीएम ने जानकारी दी कि जिलाधिकारी को निर्देश दे दिया गया है, झारखंड से आए हुए भाइयों को 2 वक्त का खाना मिलेगा। दिल्ली में हमारी कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। हेमंत सोरेन जी, मैं वहां के जिलाधिकारी को निर्देश दे रहा हूं कि झारखंड से आए हुए हमारे इन भाइयों को 2 वक्त का खाना मिले। दिल्ली में हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। झारखंड से बाहर रह रहे सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जरूरत पड़ने पर कृपया 06512282201 पर संपर्क करें। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से सुव्यवस्थित तरीके से आप हर जरूरतमंदों को उचित मदद पहुंचाई जा सकेगी।